उनका चाल चलन, उनके कपड़े ऐसे होंगे जैसे देखने में लगता। अब देखिए उदाहरण के रूप में मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, डायरेक्ट, क्योंकि पवित्र आत्मा का काम असल में ना आबाला बासाबा करना नहीं है। पवित्र आत्मा का काम है वो हमारे गलतियाँ दिखाता है कि देख क्या गलती कर रहा है, देख तूने क्या पाप किया। हमारे मन को खोदता है, ये मैंने पिछले लाइफ में भी बताया था, वो हमें सिखाता है कि सुधर जा, तूने ये गलती किया है, देख तूने क्या गलती किया। ये पवित्र आत्मा हमारा हेल्पर इसलिए कहता है। वो आबाला बासाबा करके कोई हेल्प नहीं होता है, किसी का हेल्प नहीं होता है। ओके अभी, और जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे जो नाश करने वाले पाखंडी। ओके, पाखंडी होंगे। पाखंड, पाखंड का मतलब क्या है? उनको देखने से ऐसा लगेगा कि यार ये तो बहुत धर्मी व्यक्ति लग रहा है एकदम, बाप रे। लेकिन उनका कपड़े भी देखने से आपको ऐसा लगेगा कि बाप रे ये तो बहुत धर्मी व्यक्ति है रे, ये तो बाप रे, ऐसा लगेगा आपको धर्मी व्यक्ति। उनको देखने से लगेगा आपको, अंदर से वो वैसे होंगे नहीं, पाखंडी होंगे। उदाहरण के रूप में मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, क्योंकि पवित्र आत्मा का काम यही है, हमारी गलतियों को दिखाता है। फादर बोलते हैं ना रोमन कैथलिक का, वो क्या असल में परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं? मूर्तियों के सामने कैंडल जलाते हैं चर्च के अंदर, तो क्या वो परमेश्वर का काम कर रहे हैं? नहीं, वो परमेश्वर जिस काम से खुश नहीं है, परमेश्वर का काम कभी नहीं कर रहे। परमेश्वर जिस काम से खुश नहीं है वो परमेश्वर का काम नहीं कर रहे वो लोग। और पवित्र आत्मा का काम ये है, वो हमारी गलतियाँ दिखाता है ताकि हम सुधर जाएं। अब हम कैसे जान सकते हैं? हम ऐसे जान सकते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, हे सांप के बच्चों, हाँ ऐसा बोलता था। यीशु मसीह को देखिए, मंदिर के आगे जब लोग बिजनेस चला रहे थे अपना, यीशु मसीह ने ऐसा एक कपड़ा लिया, कपड़ा है नहीं मेरे पास, ऐसा एक कपड़ा लेके उसका ऐसा बनाया, ऐसा करके, और ये दे पटाड़ पटाड़, ये दे पटाड़ पटाड़, तुम परमेश्वर के मंदिर को डाकुओं का अड्डा बना रहे हो, निकल यहाँ से, बोल के ऐसा डांटा। ये होता है सच्ची शिक्षा, वो हमें डांटता है। और दोस्तों में भी सेम है, जो दोस्त आपको गलत करने से रोकता है वही सच्चा दोस्त होता है। जो बोलता है अरे आजा तू चले कर लेते हैं, क्या है, पी लेते हैं थोड़ा बहुत दारू वारू, क्या है, अच्छा पी लेते हैं, वो आपका असल में सच्चा दोस्त नहीं होता वो। लेकिन जो दोस्त आपको बोलता है यार ऐसा मत पी यार, ये खराब चीज़ है, तू मर जाएगा रे, तेरा लीवर खराब हो जाएगा, वो अच्छा सच्चा दोस्त होता है। वैसे ही परमेश्वर की जो शिक्षा होती है वो तुम्हें हमेशा बोलेगी, ये मत कर, वो मत कर, ये मत कर, तू गलत कर रहा है। लेकिन जो झूठी शिक्षा होगी वो क्या बोलेगी? अरे यार तू जो कर रहा है ठीक है, बिंदास करता रहे, आ जाओ, तू बस दशांश लेके आ, दशमांश लेके आ, टाइट्स लेके आ, ऑफरिंग लेके आ, तू जो भी कर रहा है ठीक कर रहा है, बस टाइट्स और ऑफरिंग देता जा बेटा, टाइट्स एंड ऑफरिंग यानी दशमांश और भेटी देता जा, बाकी सब ठीक कर रहा है तू, बस तू प्रार्थना कर, बस काफ़ी है। नहीं, झूठी शिक्षा पहचानो, झूठी शिक्षा हमारे आसपास पंजाब में तो सबसे ज़्यादा है झूठी शिक्षा। खैर, तो मैं जो पॉइंट बोल रहा था इसको पहले कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं ख़त्म कर, दूसरा पत्रस 2:1। ओके, और जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे जो नाश करने वाले पाखंड। ये नाश करने वाले हैं कौन? ये जो ये इनका प्रचार देखना, कभी आप इनका प्रचार देखना, ये कभी भी आपको ये नहीं बोलेंगे व्यभिचार मत करो, जो झूठे प्रचारक होते हैं ये कभी नहीं बोलेंगे, ये कभी आपको उद्धार के विषय में प्रचार नहीं करेंगे, ये हमेशा आपको ऐसा प्रचार करेंगे कि सब ठीक है, तुम्हें क्या चाहिए, पैसा, आओ मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ, तुम्हें क्या चाहिए, घर, आओ नया कार, आओ मिरेकल मनी, अरे मिरेकल मनी, ऐसा कोई शब्द बाइबल में है नहीं, लेकिन वो आप अपने से मिरेकल मनी आओ। ओके, तो वो अंदर से नाश करने वाले होंगे। बोलते हैं बाइबल में लिखा है ना, एक वचन है वो भेड़ की खाल में क्या लिखा है, वो स्याल को क्या बोलते हैं, वुल्फ को क्या बोलते हैं, वुल्फ, भेड़िए होंगे, भेड़िए, वो भेड़ की खाल में भेड़िए होंगे। वो कपड़ा तो पहनेंगे धार्मिकता का, यीशु
मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं यीशु में विश्वास करता हूँ ऐसा, लेकिन वो उनकी जो शिक्षा है वो अंदर से फाड़ने वाली होगी। लोगों को फाड़ा जा रहा है, परमेश्वर से दूर हो रहे हैं लोग खाली पैसों के पीछे। आ जाओ तुम्हें घर चाहिए, पैसों के पीछे। पाखंड का उद्धरातन छिप छिपा कर करेंगे, छिप छिपा कर करेंगे, और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को विनाश में, शीघ्र विनाश में डाल देंगे। और वो जल्दी विनाश में पड़ने वाले हैं वो लोग, जल्दी जब यीशु मसीह आएगा उनका ऐसे ही सब हिसाब किताब होगा उन लोगों का। लेकिन दुख की बात यह है कि वो लोग अपने साथ बहुतों को नर्क लेके जा रहे हैं, बहुतों को अपने साथ, जो अब बजेंद्र सिंह के पीछे कितने सारे लोग हैं, अंकुर नरूला के पीछे कितने सारे लोग हैं, जो केवल प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल बोलते हैं उसको, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल, खाली अच्छी अच्छी बातें। लेकिन जो सच्चा सुसमाचार क्या है, यीशु मसीह क्या हमें पैसा, बैंक बैलेंस, कार देने के लिए वो प्रचार करने आया है क्या? नहीं, वो पाप से छुटकारा देने के लिए, पाप के विषय में हमें बताने के लिए कि पाप कितना भयंकर है, और नर्क के विषय में प्रचार करने आया। ये यीशु मसीह ने प्रचार भी किया नर्क में, हाँ, दांत रोना और दांत पीसना होगा बाइबल में लिखा है, हाँ, उस विषय में प्रचार करने आया यीशु, हाँ। लेकिन ये लोग क्या यीशु के उद्धार के विषय में प्रचार करते हैं? पहली बात, उद्धार के विषय में प्रचार करते हैं? नहीं। क्या ये लोग दुख उठाने के विषय में प्रचार करते हैं? क्योंकि यीशु कहता है मेरे लिए जो दुख उठाता है वो उसके लिए स्वर्ग में उतना ही बड़ा प्रतिफल होगा। नहीं, ये लोग तो और भी उसका उल्टा, ऑपोजिट प्रचार करते हैं कि यीशु में विश्वास करो, तुम्हें धन मिलेगा, कार मिलेगा, मिरेकल मनी मिलेगा, बैंक बैलेंस मिलेगा, क्या 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 और भी क्या क्या क्या, बच्चे का आशीष मिलेगा। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ये सब आशीष नहीं देता है, देता है, लेकिन इसी का प्रचार करते रहना, करते रहना, और ये, और सच्चा सुसमाचार कहाँ है आज? पाप से वार्निंग देने का, देने वाला सुसमाचार कहाँ है? मन फिराओ, ये बोलने वाला सुसमाचार कहाँ है आज? कितने लोग प्रचार कर रहे हैं? जितने भी लोग आज मन फिराओ के लिए प्रचार कर रहे हैं वो सब बैप्टिस्ट चर्च से। स्वामी का, उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे, वो परमेश्वर का इनकार कर रहे हैं, जो अपने आप को पास्टर, प्रॉफेट बोलते हैं, अपोस्टल बोलते हैं। अपोस्टल का मतलब मैंने आपको बता दिया, वे लोग जिनको यीशु मसीह ने पर्सनली चुना था वो लोग थे अपोस्टल, लेकिन अपने आप से अपोस्टल बन गए और फिर अपने आप को प्रॉफेट बोलते हैं। तो ये वचन से बात नहीं करते, तो ये परमेश्वर का इनकार करते हैं, क्योंकि वचन कौन है? वचन यीशु मसीह है, वचन परमेश्वर है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, और वचन देह धारण करके आया, और यीशु मसीह ने जो जो बात बोला वो यहाँ पर है। तो यीशु मसीह आज भी हमारे साथ है, यीशु मसीह आज भी हमारे साथ हैं। तो वो लोग वचन, वो जो प्रॉफिट्स होते हैं वो वचन के बाहर बात करते हैं, तो वो अपने मालिक का इनकार कर रहे हैं, क्योंकि वो वचन से बातें नहीं करते। ओके, जैसा कि ये वचन लिखा है दूसरा पत्रस 2:1 में, उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे, और ये इनकार करेंगे बोल रहा है, क्योंकि देखिए इस समय जब पौलुस लिख रहा है ये हमारे लिए अभी पास्ट है, ये हो चुका है ना, तो पौलुस के लिए ये फ्यूचर है, यानी भविष्य है, यानी पौलुस के लिए ये अभी होने वाला टाइम है, लेकिन हमारे लिए ये अभी हो रहा है। तो पौलुस इनकार करेंगे बोल रहा है, हाँ, ये तो हाँ अभी ये हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है। तो इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। ये लोग का तो बाप रे, कान पकड़ के परमेश्वर कान के नीचे जो बजाएगा।